सांप कितने खतरनाक होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी सांप पाए जाते हैं जो सभी सांपों से अलग होते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सांपों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आप शायद ही देखे होंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बगल में घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, स्पाइडर किल्ड स्नैक। क्या आपने कभी ऐसे सांप को देखा है जिसकी पूंछ मकड़ी की तरह दिखती हो? ये सांप अपनी मकड़ी जैसी दिखने वाली पूंछ का इस्तेमाल शिकार को फंसाने के लिए करता है, जिसमें ये सांप अपनी पूरी बॉडी को बिना हिलाए सिर्फ अपना पूंछ हिलाता है, जिससे शिकार इस सांप को मकड़ी समझकर इसे खाने के लिए खींचा चला आता है और इस सांप का शिकार हो जाता है। दोस्तों, इस सांप को खाने में मेंढक और पक्षी पसंद होते हैं। प्रश्न नंबर 4, स्पाइन बुश वाइपर। खूबसूरत दिखने वाले ये सांप बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। दोस्तों, ये सांप रात के समय शिकार करने के लिए निकलते हैं। ये अक्सर खाने में छिपकली, मेंढक के साथ साथ छोटे कीड़े खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, इनकी लंबाई 18 से 30 इंच तक होती है। ये सांप 12 साल तक जिंदा रह सकते हैं। गाइस नंबर 3, थ्री आइज स्नैक। दोस्तों, इस सांप की 3 आंखें होती हैं। ये सांप 3 महीने का ही था दोस्तों जब यह सांप मिला। उसके कुछ दिनों बाद यह सांप भूख की वजह से मर गया। दरअसल ये सांप खाना नहीं खा पा रहा था, इसकी वजह से इसकी मौत हो गई। दोस्तों, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर तक बताई जा रही है। नंबर 2, हॉट्स डिजलट वाइपर। इस सांप की आंखों के पास सींग जैसे निकले हुए होते हैं। ये सांप रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये सांप खाने में छिपकली, चूहे के साथ साथ छोटे कीड़े खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, व्हाइट स्नैक। दोस्तों, ये सांप दिखने में बहुत सुंदर होते हैं और खतरनाक भी होते हैं। दोस्तों, ये सांप 40 साल तक जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों, ये सांप खाने में मेंढक, छिपकली के साथ साथ छोटे कीड़े खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, इनकी लंबाई 1.3 मीटर तक हो सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक है।